ओम शांति। इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ डीसीडी नंबर 1095 क्लैरिफाइड ऑन 24 अप्रैल 2009 एट जम्मू। प्रातः क्लास चल रहा था, 25 जुलाई 1968। The morning class of the 25th July 1968 was going on. पहले पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। The topic being discussed in the end of the middle part of the first page was. तुम बेहद के सन्यासी हो, क्योंकि तुम तो सारी दुनिया को छोड़ते हो। You are the unlimited sannyasis because you leave the entire world. और वो हद के सन्यासी सिर्फ हद के घर बार को छोड़ते हैं। एंड दोज लिमिटेड सन्यासीज लीव ओनली द लिमिटेड हाउस होल्ड। तो तुम भी हद के सन्यासी हो। सो यू आर द अनलिमिटेड सन्यासीज। और अभी तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। एंड नाउ यू आर द चिल्ड्रन ऑफ प्रजापिता ब्रह्मा। वेद का बाप है, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप प्रजापिता। प्रजापिता इज द अनलिमिटेड फादर, द फादर ऑफ द एंटायर ह्यूमन वर्ल्ड। तो ये नया छोटा सा झाड़ है। सो दिस इज अ न्यू यंग ट्री। पुरानी दुनिया के झाड़ से इस छोटे से झाड़ की सैंपलिंग लगती है। द सैंपलिंग ग्राफ्टिंग ऑफ दिस यंग ट्री इज टेकन फ्रॉम द ट्री ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड। माना दुनिया के जो भी धर्म हैं, जो भी अनेकानेक धर्मों की डालियां हैं, उनमें से तुम छठे छठाए थोड़े से बच्चे हो जिनकी सैंपलिंग लगाई जाती है। It means from all the religions of the world, the branches of all the different religions, you children are very few selected ones who are planted as the sampling of the new world. तुम जानते हो कि हम पुराने से नए बन रहे हैं। You know that you are becoming new from old. पहले पुराने वृक्ष में थे, अब हमारी नई सैंपलिंग लग रही है। अर्लियर यू बिलोंग टू द ओल्ड ट्री, नाउ योर न्यू सैंपलिंग इज बीइंग प्लांटेड। ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर ये कल्प कल्पांतर बाजोली खेलते रहते हैं। यू कीप प्लेइंग दिस समर सॉल्ट ऑफ गोइंग डाउन फ्रॉम अप एंड अप फ्रॉम डाउन एवरी साइकिल। अभी भी बरोबर हम बाजोली खेलते हैं। We certainly play this somersault even now. ऊंची नीची स्टेज अभी भी होती रहती है। Our stage keep fluctuating even now. ऊंची स्टेज में जाते हैं तो बुद्धि अर्थात सर ऊपर की ओर हो जाता है। When you reach a high stage, your intellect, that is your head, rises upwards. बायजोली में नीचे जाते हैं तो बुद्धि धरणी की तरफ खींचे जाती है। When you turn downwards in a somersault, your intellect gets attracted towards the earth. तो अभी तुम जानते हो अभी हम नंबर वार ब्राह्मण सो फिर नंबर वार देवता बनते हैं। So now you know, we number wise Brahmins become number wise deities now. हम सो ब्राह्मण, हम सो देवता। We ourselves become Brahmins, we ourselves become deities. तो सो अक्षर जरूर लगाना होता है। So you should definitely add the word so, become. सिर्फ हम नहीं। Not just we. हम सो शूद्र थे, फिर हम सो ब्राह्मण बने,
वी आवर सेल्स वर शूद्र देन वी आवर सेल्स बिकेम ब्राह्मिन्स फिर हम सो देवता क्षत्रिय वैसे शूद्र बनेंगे लेटर वी आवर सेल्स विल बिकम डेटीज क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्र तो ये बायजोली बिल्कुल भूलनी नहीं चाहिए सो यू शुडंट फॉरगेट दिस समरसॉल्ट एट ऑल और ये बिल्कुल सहज बायजोली है एंड दिस इज अ वेरी सिंपल समरसॉल्ट छोटे बच्चे भी इसको समझा सकते हैं इवन द यंग चिल्ड्रन कैन एक्सप्लेन दिस कि हम कैसे चार अवस्थाओं से पसार होते हैं हम 84 जन्म कैसे लेते हैं हाउ वी पास थ्रू द फोर स्टेजेस हाउ वी हैव द 84 बर्थ्स सीढ़ी कैसे उतरते हैं हाउ वी कम डाउन द लैडर फिर ब्राह्मण बन करके सीढ़ी कैसे चढ़ते हैं देन हाउ वी क्लाइम द लैडर आफ्टर बिकमिंग ब्राह्मिन्स ब्राह्मण से देवता बनते हैं वी बिकम डीटीज फ्रॉम ब्राह्मिन्स अभी ब्राह्मण बनकर हम बहुत भारी खजाना ले रहे हैं नाउ वी आर अक्वायरिंग अ वेरी प्रेशियस ट्रेजर बाय बिकमिंग ब्राह्मिन्स झोली भर रहे हो यू आर फिलिंग योर बैग ज्ञान सागर कोई शंकर को नहीं कहा जाता है शंकर इज इट कॉल्ड द ओशन ऑफ नॉलेज शंकर के पास झोली तो है परंतु वो ज्ञान सागर नहीं है कौन है शंकर डज हैव अ बैग बट ही इज इन द ओशन ऑफ नॉलेज हु इज दैट शिव बाबा है ज्ञान सागर शिव बाबा इज द ओशन ऑफ नॉलेज झोली भरने वाला है ही इज द वन हु फिल्स एवरीवन्स बैग तो शंकर झोली नहीं भरते हैं सो शंकर डजंट फिल एनीवन्स बैग उनकी आत्मा अलग और आत्माओं के बाप शिव की आत्मा अलग हिज सोल इज सेपरेट एंड द सोल ऑफ शिव द फादर ऑफ द सोल इज सेपरेट ये तो चित्रकारों ने चित्र बनाए दिया है शंकर का द आर्टिस्ट हैव ड्रॉन सच पिक्चर ऑफ शंकर चित्रकारी की यादगार होती है द पिक्चर्स आर द यादगार ऑफ वॉट चरित्र की यादगार होती है दे आर द यादगार ऑफ द कंडक्ट बाकी शंकर की बात नहीं है एज फॉर द रेस्ट इट इज इंट अबाउट शंकर और ये ब्रह्मा और विष्णु भी यहाँ के ही है एंड ब्रह्मा एंड विष्णु आर ऑल्सो प्रेजेंट हियर इट सेल्फ वो तथा कथित तो ब्राह्मण कहाँ के समझते हैं ऑफ विच प्लेस डू दो सो कॉल्ड ब्राह्मिन्स कंसिडर देम टू बी वहाँ सूक्ष्म वतन के देयर ऑफ द सटल वर्ल्ड अगर सूक्ष्म वतन के होते तो उनकी मूर्तियाँ यहाँ कहाँ से आ जाती इफ दे बिलोंग टू द सटल वर्ल्ड हाउ आर देयर आइडल्स फाउंड हियर पुरानी से पुरानी मूर्तियां मिलती हैं शंकर की द वेरी एंशियंट आइडल्स ऑफ शंकर आर फाउंड लक्ष्मी नारायण को युगल रूप में ऊपर दिखाया है लक्ष्मी एंड नारायण हैव बीन शोन अबव इन द फॉर्म ऑफ अ कपल और ये है ब्रह्मा का अंतिम जन्म एंड दिस इज द लास्ट बर्थ ऑफ ब्रह्मा पहले पहले यह विष्णु के रूप में 8 जन्म फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज 8 बर्थ्स इन द फॉर्म ऑफ विष्णु फिर त्रेता में 12 जन्म देन ही हैज 12 बर्थ्स इन द सिल्वर एज फिर 63 जन्म लिया अभी फिर आकर के यह ब्रह्मा बना है ही हैज 63 बर्थ्स आफ्टर दैट नाउ ही हैज अगेन बिकम ब्रह्मा इनका नाम मैंने ब्रह्मा रखा है आई हैव नेम्ड हिम ब्रह्मा किसने हु शिव बाबा ने ब्रह्मा रखा है शिव बाबा हैज नेम्ड हिम ब्रह्मा सभी का नाम बदल दिया ही हैज चेंज्ड एवरीवन्स नेम क्योंकि सभी ने सन्यासी किया भक्ति मार्ग में भी घर बार छोड़ते हैं तो नाम बदल देते हैं
It is because everyone practiced renunciation. In the path of bhakti too, when they leave their house and family, they change their name. तुम भी शूद्र से ब्राह्मण बने तो नाम बदल दिया. When you two became Brahmins from Shudra, your name was changed. क्योंकि तुम्हारा काम बदल जाता है तो नाम भी बदल जाता है. It is because when your task changes, your name also changes. बाप ने बहुत ही रमणीक नाम रखे थे. The father had given very lovely names. तो अभी तुम समझते हो, देखते हो किस रथ पर वृक्षपति बैठे हैं. So now you understand and see that the master of the tree is sitting in this chariot. किस रथ पर? In which chariot? इस ब्रह्मा के रथ पर वृक्षपति बैठा है. The master of the tree is sitting in the chariot of this Brahma. वृक्षपति बैठा है. The master of the tree is sitting. कौन से वृक्ष का कौन सा पति? Which master of which tree? वृक्ष कौन सा? Which tree? मनुष्य सृष्टि का वृक्ष. The tree of the human world. उसका पति कौन? Who is its master? प्रजापिता बैठा है ब्रह्मा के ऊपर. स्टूडेंट प्रजापिता. इज प्रजापिता सिटिंग इन ब्रह्मा? शिव बाबा बैठा है. लेकिन यहाँ क्या बोला? शिव बाबा इज सिटिंग, बट व्हाट वाज सेड हियर? अभी तुम समझते हो वृक्षपति इस रथ पर बैठा है. नाउ यू अंडरस्टैंड दैट द मास्टर ऑफ द ट्री इज सिटिंग इन दिस चैरियट. तो शिव की आत्मा को मनुष्य सृष्टि का पति कहे. सो विल द सोल ऑफ शिव बी कॉल्ड द मास्टर ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड? है, बनता तो तभी ही है जब शिव प्रवेश करता है मनुष्य सृष्टि के बाप में. ही बिकम्स दैट ओनली व्हेन ही एंटर्स द फादर ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड. तो देखो उन बाप का ये अकाल तख्त है. सो लुक, दिस इज द अकाल तख्त ऑफ दैट फादर. अकाल मीन्स द वन हु इजंट डिवोर्ड बाय डेथ एंड तख्त मीन्स थ्रोन. कौन सा तख्त? विच तख्त? है अकाल तख्त कौन सा है? हु इज अकाल तख्त? अगर ब्रह्मा की भ्रकुटी को अकाल तख्त कहे तो वो तो शरीर छूट गया, उसको काल खा गया. इफ ब्रह्मास भ्रकुटी विल बी कॉल्ड द अकाल तख्त, ही हैज डेफिनेटली लेफ्ट हिज बॉडी. डेथ डिवोर्ड हिम. फिर यह करके कह करके इशारा किस तरफ दिया? देन हुम डिड द फादर इंडिकेट सेइंग दिस? उनका यह अकाल तख्त है. दिस इज द अकाल तख्त ऑफ दैट फादर. कहने वाला कौन? हु इज द वन हु सेज दैट? उनका यह अकाल तख्त है ये बात कहने वाली आत्मा कौन? विच सोल सेज दिस इज द अकाल तख्त ऑफ दैट फादर? है शिव बाप ही बताते हैं. उनका कह करके किस तरफ इशारा किया? द फादर शिव हिमसेल्फ सेज दैट. होम डिड ही इंडिकेट सेइंग दैट वन? भविष्य में आने वाले पार्ट की तरफ इशारा किया. ही इंडिकेटेड द पार्ट दैट वॉज गोइंग टू बी प्लेड इन द फ्यूचर. यह है अकाल तख्त है. दिस इज द अकाल तख्त. माना भ्रकुटी अकाल तख्त है. इट मीन्स भ्रकुटी इज द अकाल तख्त. इससे उसका पता चलता है. ही इज नोन थ्रू इट. उनका भी अकाल तख्त है तो इनका भी अकाल तख्त है. ये कैसे? दैट वंस इज द अकाल तख्त एज वेल एज दिस वंस इज द अकाल तख्त. हाउ इज दैट पॉसिबल? इनका कहें तो ब्रह्मा की तरफ इशारा होता है. इफ इट इज सेड दिस वन इट इंडिकेट्स ब्रह्मा.
ब्रह्मा का तो शरीर छूट गया। ब्रह्मा सर्टनली लेफ्ट हिज बॉडी। अकाल तख्त भृकुटी भी चली गई कि रह गई? हिज अकाल तख्त दैट इज हिज भृकुटी ऑल्सो पेरिश्ड और डिड इट रिमेन? फिर इनका और उनका दोनों को अकाल तख्त है, ये कैसे? देन हाउ कैन इट बी पॉसिबल दैट दिस वन एज वेल एज दैट वन बोथ हैव अकाल तख्त? आत्मा की तरफ इशारा किया, ब्रह्मा की आत्मा और प्रजापिता की आत्मा दोनों इकट्ठे होकर जिस रथ पर बैठते हैं वो भ्रकुटी की तख्त की तरफ इशारा किया। द सोल हैज बीन इंडिकेटेड द चैरियट इन विच द सोल ऑफ ब्रह्मा एज वेल एज द सोल ऑफ प्रजापिता बोथ सिट टुगेदर दैट थ्रोन ऑफ द भ्रकुटी वॉज इंडिकेटेड। कि वो इनका भी और उनका भी अकाल तख्त है। He is the अकाल तख्त of this one as well as that one. हाँ, इस तख्त का लोन लेते हैं। Yes, the father takes the loan of this तख्त. किसका? Whose? ब्रह्मा के तख्त का लोन लेते हैं। He takes the loan of the तख्त of Brahma. उनको अपना तख्त तो मिलता नहीं है। He certainly doesn't have a तख्त of his own. शिव बाप को अपना तख्त मिलता नहीं है तो इनका लोन ले लेते हैं। The fathership doesn't have a तख्त of his own, so he takes the loan of this one. कहते हैं मैं इस रथ में विराजमान होता हूँ। He says, I sit in this chariot. फिर जो मुझे नहीं जानते हैं उनको अपनी पहचान देता हूँ। Then those who don't know me, I give them my introduction. कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। I am your father. फिर मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। I don't come in the cycle of birth and death. गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ। I am not born through the womb. तुम आते ही नहीं हो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान कौन बनावेंगे? If I don't come, who will make you सतो प्रधान from being तमो प्रधान? बनाने वाला तो चाहिए। The one to make you that is definitely required. इसलिए मेरा ऐसा पार्ट है। कैसा? This is why I have such a part. What kind of part? जन्म मरण के चक्र में ना आने वाला। Of not coming in the cycle of birth and death. मुझे बुलाते भी हो। हे पतित पावन आओ। You also call me, O purifier of the sinful ones, come. पतितों को पावन बनाने के लिए आओ। कम टू प्यूरिफाई द सिंपल वंस। तो बनाने वाला कैसा चाहिए? सो हाउ शुड द मेकर बी? सिर्फ पावन नहीं। स्टूडेंट प्योर, नॉट जस्ट प्योर। नंबर वार पावन तो धर्म पिताओं को भी कहेंगे लेकिन एवर प्योर चाहिए। Even the religious fathers will be called number wise pure, but he should be ever pure. निराकार शिव बाबा को आत्माएं पुकारती हैं। The souls call the incorporeal Shiv Baba. क्योंकि वो आत्माएं दुखी हो जाती है। It is because those souls become sorrowful. सबसे जास्ती दुखी कौन हो जाते हैं? Who become the most sorrowful? है? सबसे जास्ती धर्म पिताओं के बच्चे दुखी होते हैं या प्रजापिता के बच्चे दुखी होते हैं? डू द चिल्ड्रन ऑफ द रिलीजियस फादर्स बिकम द मोस्ट सॉरोफुल और द चिल्ड्रन ऑफ प्रजापिता? जो प्रजापिता के बच्चे सो शिव बाप के बच्चे। द चिल्ड्रन ऑफ प्रजापिता आर द चिल्ड्रन ऑफ द फादर शिव। तो सबसे जास्ती दुखी कौन होते हैं? So who become the most sorrowful? जो सबसे जास्ती पुराने वो सबसे जास्ती तमो प्रधान वो सबसे जास्ती दुखी होते हैं। Those who are the most ancient are the most तमो प्रधान and they themselves become the most sorrowful. तो मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, बीजों का बाप हूँ और आत्माएं बहुत दुखी बन जाती है।
So, I am the father of you souls, the seeds. The souls become very sorrowful. उनमें भी खास भारतवासी जो आत्माएं हैं, वो मेरे को बुलाती हैं। Even among them, especially the Bharatvasi souls call me. आत्मिक स्थिति में रहने वाली बीज रूप आत्माएं अनेक प्रकार की हैं। The seed form souls who remain stable in the soul conscious stage are of many kinds. अलग अलग धर्मों की भी बीज रूप आत्माएं हैं। There are the seed form souls of the different religions too. लेकिन उनमें भी खास कौन सी हैं? But who are special among them? जो खास भारतवासी हैं। Those who are especially भारतवासी। आदि से लेकर के अंत तक भारतवासी हैं। They are भारतवासी from the beginning till the end. बुलाती हैं कि आ करके हम पतितों को पावन बनाओ। They call me, come and purify us sinful ones. कौन बुलाते हैं? Who call me? जो बुलाते हैं वो ही पावन बनते हैं। Those who call me, they alone become pure. जो नहीं बुलाते हैं वो पूरे पतित से पावन बनते भी नहीं हैं। Those who don't call me, don't become completely pure from impure either. सत्युग में तुम बहुत ही पवित्र सुखी थे। You were very pure and happy in the golden age. उसकी निशानी क्या थी? What was the sign of it? अभी पतित हैं, बहुत पतित हैं, तो निशानी क्या है? Now you are impure, very impure. So what is the sign of it? है? वो तो दुखी या शांति तो है, लेकिन बहुत दुखी या शांत हैं तो पुकारते हैं। Student, sorrowful and restless. Yes, you are no doubt sorrowful and restless. But when you are very sorrowful and restless, you call him. द्वापर में इतना नहीं पुकारते थे। You didn't call him to that extent in the copper age. जब बहुत दुखी या शांत बन गए तो पुकारते हैं। When you become very sorrowful and restless, you call him. जब सत्युग में तुम देवताएं होते हो तो कभी पुकारते नहीं हो। When you are deities in the golden age, you never call him. तो बाप खुद कहते हैं तुमको सुखी बना करके फिर मैं वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। So the father himself says, I make you happy and then sit in vanprast. वहाँ वानप्रस्थ में जहाँ वाणी से परे मेरी स्टेज रहती है वहाँ मेरी दरकार नहीं रहती पार्ट बजाने की। I don't need to play any part there in vanprast where my stage is beyond speech. भक्ति मार्ग में भी मेरा पार्ट है। I have a part in the path of bhakti as well. कौन सा पार्ट है? Which part? साक्षात्कार कराने का। Of making others have divine visions. आधा कल्प मेरा पार्ट नहीं है। कौन से आधा कल्प? I don't have any part for half the cycle. Which half the cycle? सत्युग त्रेता में मेरा पार्ट नहीं है। I don't have part in the golden and the silver age. ये बिल्कुल सहज बात है। This is an absolutely simple fact. कि मैं सुख की दुनिया में नहीं आता हूँ। That I don't come in the world of happiness. सुख की दुनिया में मेरा कोई पार्ट नहीं है। I don't have any part in the world of happiness. क्यों? Why? जब मैं ever pure हूँ, तो पहले मेरे को सुख की दुनिया में होना चाहिए। When I am ever pure, I should be in the world of happiness first of all. है? हाँ। न मैं दुखी बनता हूँ, और न मैं सुखी बनता हूँ। Student replies, Yes. I neither become sorrowful nor do I become happy.
तो वहाँ मेरी दरकार नहीं रहती है। सो आई डोंट नीड टू प्ले अ पार्ट देयर। इस बात में किसी को प्रश्न भी नहीं उठ सकता। नो वन कैन हैव अ डाउट रिगार्डिंग दिस ईदर। गायन भी है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। इट इज ऑल्सो संग, एवरीवन रिमेम्बर्स गॉड एट द टाइम ऑफ सोरो, बट नो वन रिमेम्बर्स हिम एट द टाइम ऑफ हैप्पीनेस। जो दुखी होते हैं वो याद करते हैं। Those who become sorrowful remember me. सुखी होते हैं उनको याद करने की देवताओं को तो दरकार ही नहीं। Those who are happy, the deities don't need to remember at all. क्योंकि वहाँ सतयुग त्रेता में भक्ति मार्ग होता ही नहीं है। It is because the path of bhakti doesn't exist there in the golden and the silver age at all. वहाँ ज्ञान मार्ग भी नहीं कहेंगे। कहाँ? It won't be said that the path of knowledge exists there either. Where? सतयुग त्रेता में ज्ञान मार्ग नहीं कहेंगे, क्यों? It won't be said that the path of knowledge exists in the golden and the silver age. Why? क्योंकि वहाँ ज्ञान देने वाला ही नहीं। It is because the giver of knowledge himself isn't present there. हाँ, ज्ञान की प्रारब्ध मिलती है। Yes, they attain the fruit of knowledge. ज्ञान देने वाले ने सतयुग त्रेता आरंभ होने से पहले ही ज्ञान की प्रारब्ध दे दी। क्या प्रारब्ध दी? The giver of knowledge gave the fruit of knowledge well before the golden and the silver age began. What fruit did he give? अरे, उसे दिया कि नहीं दिया? अरे, did he give anything or not? प्रारब्ध दी, आत्म की स्थिति में रहते हो। The fruit that he gave is you remain stable in the soul conscious stage. कोई और प्रारब्ध दी? Did he give some other fruit? वहाँ स्टेज कैसी बन जाती है? How does the stage become there? आत्म की स्टेज पक्की हो जाती है। Your soul conscious stage becomes firm. तो वहाँ ज्ञान मार्ग भी नहीं कहेंगे? हाँ, ज्ञान मार्ग की प्रारब्ध कहेंगे। So it won't be said that the path of knowledge exists there either. Yes, it will be said that you attain the fruit of the path of knowledge. ज्ञान तो मिलता ही है संगम पर। You certainly receive the knowledge in the confluence age. जिससे तुम 21 जन्म प्रारब्ध पाते हो। Through which you attain fruits for 21 births. नंबर बार पास होते हो। You pass number wise. फेल भी होते हैं। Some fail as well. रामचंद्र को क्या कहेंगे? What will be said for रामचंद्र? हैं? हैं? फेल हुआ? He failed. फेल हुआ तो रिजल्ट क्या मिली? What was the result of his failure? दोबारा तो पढ़ना पड़ा। फेल होने की रिजल्ट क्या मिली? Student, he had to study again. He certainly had to study again. What was the result of his failure? त्रेता में प्राप्ति करता है। He attains its fruit in the silver age. फेल होते हैं क्योंकि माया पर जीत नहीं पहन सके। He failed because he couldn't gain victory over माया। तुम्हारी भी अभी युद्ध चल रही है। तुम देखते हो जिस रथ पर बाप विराजमान है वो रथ तो जीत ही लेंगे। Your war is also going on now. You see that the chariot in which the father is seated will surely win. क्या जीत लेंगे? What will he win? माया के ऊपर जीत पा ही लेंगे, जैसे कुमार का है। He will definitely gain victory over Maya, just like कुमार का। फलानी है। And so जरूर जीत पाएंगे। They will definitely gain victory. जीत पाई? Did she gain victory? है? नहीं पाई? Student, no, she didn't. क्या प्रूफ? What is the proof of it? है? तुम बच्चे
अकाल मूर्त बाप के अकाल मूर्त तख्त बनते हो. यू चिल्ड्रन बिकम द अकाल मूर्त तख्त ऑफ द अकाल मूर्त फादर. उनको कहेंगे जीत पाई. फॉर देम इट विल बी सेड दैट दे गेन्ड विक्ट्री. पांच तत्वों पर भी जीत पाई और पांच विकारों पर भी जीत पाई. दे गेन विक्ट्री ओवर द फाइव एलिमेंट्स एज वेल एज द फाइव वाइसेस. अब यहाँ फिर ये कुमारिका के लिए कैसे कह दिया. नाउ हाउ वॉज इट सेड हियर फॉर कुमारिका. हाँ, बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं. स्टूडेंट फॉर द जूनियर मदर. यस द अनलिमिटेड फादर स्पीक्स टू द अनलिमिटेड चिल्ड्रन इन एन अनलिमिटेड वे. तो कुमार का कहा तो हद वाले हद में अर्थ उठाते हैं और बेहद में कुमार का अर्थ क्या हुआ. सो व्हेन ही सेड कुमार का द लिमिटेड पीपल टेक द मीनिंग इन द लिमिटेड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कुमार का इन द अनलिमिटेड. कुमार का अर्थ हुआ जब से ज्ञान में आई तब से लेकर के अंत तक मन वचन कर्म संकल्पों से वाइब्रेशन से कैसी स्टेज में रहने वाली. कुमारका मीन्स इन विच स्टेज डज शी स्टे थ्रू द माइंड स्पीच एक्शंस थॉट्स एंड वाइब्रेशंस फ्रॉम द टाइम शी केम इन नॉलेज एंड टिल द एंड. कुमारी स्टेज में रहने वाली. शी स्टेज इन द स्टेज ऑफ अ मेडन. संकल्प में भी कोई दूसरा बाप के सिवाय न प्रवेश कर पाए. नो वन एल्स एक्सेप्ट द फादर कैन कम इवन इन हर थॉट्स. उसको कहेंगे 100% कुमारिका. शी विल बी कॉल्ड 100% कुमारिका मीनिंग मेडन. तो जरूर जीत पावेंगे. सो शी विल डेफिनेटली गेन विक्ट्री. जीत पाने का अर्थ क्या है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेनिंग विक्ट्री. अरे मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है. अरे व्हाट इज द एम ऑफ द ह्यूमन लाइफ. नर से नारायण नारी से लक्ष्मी. तो कुमारिका का नाम लिया तो कौन सा लक्ष्य सिद्ध होना चाहिए. टू बिकम नारायण फ्रॉम अ मैन एंड लक्ष्मी फ्रॉम अ वुमन. सो व्हेन ही मेंशन्ड द नेम ऑफ कुमारिका विच एम शुड बी फुलफिल्ड. नारी से लक्ष्मी बननी चाहिए. शी शुड बिकम लक्ष्मी फ्रॉम अ वुमन. तो जिस कुमारिका के लिए हद में अर्थ उठा लेते हैं वो नारी से लक्ष्मी बनती है क्या. सो द वन हुम दे कंसिडर कुमारिका इन द लिमिटेड डज शी बिकम लक्ष्मी फ्रॉम अ वुमन. कहेंगे सती हुई बनेगी. इट विल बी सेड दैट शी बिकम्स दैट इन द गोल्डन एज. अरे सती हुई बनेगी तो पहले प्रिंसेस बनेगी कि नारी से लक्ष्मी बनेगी. अरे when she becomes that in the golden age, will she become a princess first or will she become Lakshmi from a woman? पहले princess बनेगी. She will become a princess first. तो ये बात तो कोई जची नहीं. So this doesn't make any sense. बाप तो कहते हैं तुम तो direct नर से नारायण और नारी से princess बनते हो. In fact the father says you become Narayan directly from a man and princess from a woman. तो देखो ये कुमारिका आदि हैं बहुतों को आप समान बनाते हैं. So look, these कुमारिका etc. make many equal to themselves. क्या? What? जो जैसा बनेगा वो दूसरों को भी सर्विस करके आप समान बनाएगा. कैसा बनाएगा? As someone becomes, he will serve others and make them too equal to himself. What will he make them? खुद नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनने वाले होंगे तो औरों को भी लक्ष्मी नारायण समान बनावेंगे. If they themselves are those who become Narayan from a man and Lakshmi from a woman, they will make the others too like Lakshmi and Narayan. तो तुम बच्चों को ये बुद्धि में रखना है. So you children should remember. ये तुम्हारी बायजोली है. This is your somersault. बच्चे भी इसको समझ सकते हैं. इवन द चिल्ड्रन कैन अंडरस्टैंड दिस. इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चों को भी सिखलाओ. दिस इज वाई बाबा सेज यू शुड टीच द चिल्ड्रन एज वेल.
बच्चों को भी बाप से वर्षा लेने का है. इवन द चिल्ड्रन हैव टू टेक द इनहेरिटेंस फ्रॉम द फादर. जास्ती ज्ञान तो नहीं है. दे डोंट हैव मच नॉलेज. थोड़ा भी इस ज्ञान को न जानने से, थोड़ा भी इस ज्ञान को जानने से ज्ञान का विनाश नहीं होगा. इफ दे अंडरस्टैंड दिस नॉलेज इवन टू सम एक्सटेंट द नॉलेज वोंट बी डिस्ट्रॉयड. छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी बुद्धि में थोड़ा भी बाप का परिचय बैठेगा तो विनाश तो नहीं हो सकता. इफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द फादर सिट्स इन द इंटेलेक्ट ऑफ द यंग चिल्ड्रन इवन टू सम एक्सटेंट इट सर्टेनली कांट बी डिस्ट्रॉयड. स्वर्ग में तो जरूर आ जाएंगे. दे विल सर्टेनली कम इन हेवन. अंत समय में भी जो बच्चे जन्म लेंगे और उनकी बुद्धि में थोड़ा भी ज्ञान बैठेगा और फिर तुरंत विनाश हो जाएगा तो क्या स्वर्ग में नहीं आवेंगे? द चिल्ड्रन हु आर बॉर्न एट द एंड इवन इफ अ लिटिल नॉलेज सिट्स इन देयर इंटेलेक्ट एंड द डिस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस इमीडिएटली वोंट दे कम इन हेवन. स्वर्ग में आ सकते हैं. दे कैन कम इन हेवन. तो बच्चों को भी सिखलाओ. सो टीच द चिल्ड्रन एज वेल. तुम ब्राह्मण कुल से सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हो. यू बिकम सूर्यवंशी एंड चंद्रवंशी फ्रॉम द ब्राह्मण क्लैन. जैसे क्राइस्ट का स्थापन किया हुआ क्रिश्चियन धर्म कितना बड़ा धर्म है. जस्ट लाइक द क्रिश्चियन रिलीजन एस्टैब्लिश्ड बाय क्राइस्ट इज सच अ बिग रिलीजन. क्रिश्चियन धर्म सबसे बड़ा धर्म है या सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है? इज क्रिश्चियन रिलीजन द बिगेस्ट रिलीजन और द एंशिएंट डेटी रिलीजन द बिगेस्ट रिलीजन? क्यों? क्रिश्चियन धर्म के तो 150-200 करोड़ फॉलोअर्स होते हैं. स्टूडेंट द एंशिएंट डेटी रिलीजन व्हाई देयर आर 150-200 करोड़ फॉलोअर्स ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन. और सनातन धर्म के सिर्फ 33 करोड़ देवता गाए गए. एंड ओनली 33 करोड़ डेटीज ऑफ द एंशिएंट डेटी रिलीजन आर प्रेज्ड. वो भी पक्के देवताएं नहीं होते हैं. दे टू आरंट फॉर्म डेटीज. कोई कच्चे देवता कोई पक्के देवता बनते हैं. सम ऑफ देम बिकम वीक डेटीज एंड सम बिकम फॉर्म डेटीज. फिर इसे सबसे बड़ा धर्म कैसे कह दिया? देन हाउ वॉज इट कॉल्ड द बिगेस्ट रिलीजन? है सबसे बड़ा धर्म इसलिए कह दिया कि धर्म से होती है धारणा. धारणा जीवन में सुख स्वरूप होनी चाहिए या दुख स्वरूप होनी चाहिए? इट वॉज कॉल्ड द बिगेस्ट रिलीजन बिकॉज धारणा कम्स फ्रॉम रिलीजन. शुड आर धारणा इन लाइफ बी एम्बॉडीमेंट ऑफ हैप्पीनेस और द एम्बॉडीमेंट ऑफ सोरो? सुख स्वरूप धारणाएं हो. अवर धारणा शुड बी द एम्बॉडीमेंट ऑफ हैप्पीनेस. जो भी धारणाएं हो वो रिजल्ट में सुख देने वाली हो. द रिजल्ट ऑफ ऑल आर धारणा शुड बी जॉय गिविंग. तो सबसे जास्ती सुख कौन सा धर्म भोगता है? सो विच रिलीजन एक्सपीरियंसेस द मैक्सिमम हैप्पीनेस? आदि सनातन देवी देवता धर्म सबसे जास्ती सुख भोगता है इसलिए बड़ा धर्म है. द एंशिएंट डेटी रिलीजन एक्सपीरियंसेस द मैक्सिमम हैप्पीनेस. दिस इज व्हाई इट इज द बिगेस्ट रिलीजन. पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था. द एंशिएंट डेटी रिलीजन एक्जिस्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल. पहले पहले क्यों? Why first of all? जो अव्वल नंबर होगा वो जरूर प्राप्ति ज्यादा करेगा पहले करेगा. The number one will certainly make more attainment and make it first of all. तो ये दो युग चलता है आदि सनातन देवी देवता धर्म. So the ancient deity religion lasts for two ages. और उन युगों में जरूर उनकी संख्या भी बड़ी होनी चाहिए. एंड देयर पॉपुलेशन शुड ऑल्सो डेफिनेटली इंक्रीज इन दोज एजेस. परंतु अभी देखो हिंदू कहलाई दिए है. बट नाउ लुक दे हैव कॉल्ड देमसेल्व्स हिंदू. देवताओं की संख्या तो दिखलाते ही नहीं. दे डोंट शो द पॉपुलेशन ऑफ द डेटीज एट ऑल.
कहते भी हैं 33 करोड़ देवताएं। दे ऑल्सो से दैट देयर आर 33 करोड़ डेटीज। फिर हिंदू क्यों कह देते हैं? देन व्हाई डू दे कॉल देमसेल्व्स एज हिंदू? माया ने बुद्धि बिल्कुल ही मार डाली है। माया हैज कंफाउंडेड देम कंप्लीटली। तो ये हाल हो गया है। सो दे हैव मेट दिस कंडीशन। बाप कहते हैं इस माया को जीतना है कठिन है या सहज है? द फादर सेज इज इट डिफिकल्ट और इजी टू गेन विक्ट्री ओवर दिस माया? है? बाप कहते हैं इस माया को जीतना कोई कठिन बात नहीं है। द फादर सेज इट इज इन डिफिकल्ट टू गेन विक्ट्री ओवर दिस माया। क्योंकि कल्प कल्प तुम माया पर जीत पाते हो। इट इज बिकॉज यू गेन विक्ट्री ओवर माया एवरी साइकिल। तो जिस पर कई बार जीत पाई हो तो संस्कार कैसे होने चाहिए? जीत के ही संस्कार होने चाहिए। सो इफ यू हैव कॉन्कर्ड समवन मेनी टाइम्स हाउ शुड द संस्कार बी? यू शुड हैव द संस्कार्स ऑफ बिकमिंग विक्टोरियस इटसेल्फ। हर कल्प तुम जीत पहनते हो। यू गेन विक्ट्री ओवर माया एवरी साइकिल। तुम सेना हो ना? यू आर एन आर्मी, aren't यू? बाप की सेना है। दिस इज द आर्मी ऑफ द फादर। तुमको बाप मिला है एंड 5 विकार रूपी रावण पर जीत पहनाने के लिए। यू हैव फाउंड द फादर टू इनेबल यू टू गेन विक्ट्री ओवर रावण इन द फॉर्म ऑफ दीज 5 वाइसेस। अभी तुम पर बृहस्पति की दशा है। Now you are under the influence of Brihaspati, Jupiter. भारत पर ही दशाएं आती हैं। There are planetary influences only on Bharat. राहु की भी दशा होती है। There is the influence of Rahu as well. बाप बृहस्पति आते हैं तो जरूर भारत पर बृहस्पति की दशा बैठेगी। When the father, the master of the world tree comes, there will certainly be the influence of Vrikshapati, meaning Brihaspati, Jupiter on Bharat. Kya matlab? What does it mean? Baap aate hain. When the father comes, to kaun sa grah hai jo sabse bada mana jata hai? और देवताओं का गुरु माना जाता है। विच प्लैनेट इज कंसिडर्ड टू बी द बिगेस्ट एंड द गुरु ऑफ द डेटीज? भारत में ही बृहस्पति की दशा भारतवासियों के ऊपर बैठती है। द भारतवासीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय जुपिटर ओनली इन भारत। इसमें सभी कुछ आ जाता है। एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन इट। तुम बच्चे जानते हो हमको निरोगी काया मिलती है। यू चिल्ड्रन नो वी गेट अ डिजीज फ्री बॉडी। वहाँ तो मृत्यु का नाम नहीं होता है। देर इज नो ट्रेस ऑफ डेथ देर। होता ही है अमर लोग। इट इज सर्टनली द इमॉर्टल वर्ल्ड। वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मरा, क्या कहेंगे फिर? देर इट वोंट बी सेड दैट सो एंड सो डाइड। देन व्हाट विल बी सेड? शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर लिया। ही लेफ्ट वन बॉडी एंड टुक अनदर। तो मरने का नाम वहाँ नहीं होता है। सो देर इज नो ट्रेस ऑफ डेथ देर। एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेते हैं। दे लीव वन बॉडी एंड टेक अनदर। तो शरीर छोड़ने और मिलने पर खुशी बनी रहती है। सो दे रिमेन हैप्पी ऑन लीविंग एंड टेकिंग ऑन अ बॉडी। यहाँ क्या होता है? व्हाट हैपेंस हियर? शरीर छूटता है तो जिसका शरीर छूटता है उसको भी घावड़े आते हैं, भय पैदा होता है और घर वालों को भी भय पैदा होता है, दुखी होते हैं। When someone dies, he gasps, feels afraid and the family members also become afraid and sorrowful. वहां तो गम का नाम निशान नहीं होता। There isn't any name and trace of sorrow there. तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है। Now you are under the influence of बृहस्पति। तो कितना भी विनाश बरपा होगा दुनिया में लेकिन तुम दुखी नहीं हो सकते। So
no matter how much destruction takes place in the world, you can't become sorrowful at all. हाँ, सभी के ऊपर तो बृहस्पति की दशा नहीं हो सकती. Yes, everyone can't have the influence of बृहस्पति. क्यों? Why? बाप सभी का नहीं है. Isn't he everyone's father? फिर सभी के ऊपर क्यों नहीं हो सकती? Then why can't his influence be over everyone? सभी बाप के बच्चे पक्के बन ही नहीं पाते. Not all are able to become the true children of the father at all. बाप है सदाशिव, सदैव कल्याणकारी, आत्म की स्थिति में रहने वाला. The father is सदाशिव. He is always beneficial who stays in the soul conscious stage. वो आकर के पहला पाठ क्या पढ़ाते हैं? What lesson does he teach first of all after coming? आत्मा समझो. Consider yourself as a soul. उस पहले पाठ में ही जो फेल हो जाए, देहभान रह जाए, तो उनको फेलियर ही कहेंगे. Those who fail in that first lesson itself, they will remain body conscious, they will definitely be called failures. उन पर बृहस्पति की दशा कैसे बैठेगी? How will they be influenced by बृहस्पति? तो सभी पर बृहस्पति की दशा नहीं हो सकती. So everyone can't come under the influence of बृहस्पति. स्कूल में भी कोई पास होते हैं, कोई ना पास होते हैं. इवन इन स्कूल सम चिल्ड्रन पास एंड सम फेल. ये भी तुम्हारी गीता पाठशाला है. दिस इज ऑल्सो योर गीता पाठशाला. तुम कहेंगे हम राजयोग पढ़ते हैं. यू विल से वी स्टडी राजयोग. राजा ही दिलाने वाला योग, सिखलाने वाला कौन है? द योग विच इनेबल्स अस टू अटेन किंगशिप, हु इज द वन हु टीचेस दैट? बेहद का बाप, द अनलिमिटेड फादर. तो कितनी खुशी होनी चाहिए. सो यू शुड बी सो हैप्पी. इसमें और तो कोई बात नहीं है, पवित्रता की मुख्य बात है. देयर इज नथिंग एल्स इन इट, द मेन थिंग इज ऑफ प्यूरिटी. पतित पावन परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है. द सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल अलोन इज कॉल्ड द प्यूरिफायर ऑफ द सिंपल. उनको ही आकर के सभी पतितों को पावन बनाना पड़ता है. ही हिमसेल्फ हैज टू कम एंड मेक ऑल द इम्प्योर वंस प्योर. क्या? वॉट? आकर के पावन बनाना पड़ता है या आकर के ज्ञान सुना के चले जाते हैं फिर पावन हम अपने आप बनते रहते हैं? Does he have to come and make us pure or does he come narrate knowledge to us and go back and we keep becoming pure by ourselves? उनको ही आकर के पतितों को पावन बनाना पड़ता है. He himself has to come and make the impure ones pure. ज्ञान सुनाना लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य क्या है? His aim isn't just to narrate knowledge. What is his aim? पतितों को पावन बनाना. His aim is to make the impure ones pure. तो कैसे पतितों को पावन बनाते हैं ये दुनिया में कोई नहीं जानते. So no one in the world knows how he makes the impure ones pure. कैसे बनाते? How does he make them pure? है ज्ञान से. तो ज्ञान तो ब्रह्मा के द्वारा सुनाई दिया. स्टूडेंट्स नॉलेज थ्रू नॉलेज ही डिड नरेट द नॉलेज थ्रू ब्रह्मा. फिर पति से पावन कोई बना? देन डिड एनीवन बिकम प्योर फ्रॉम बीइंग इम्प्योर? है कोई नहीं बना. नो वन बिकेम दैट. फिर कैसे बनाते हैं? देन हाउ डज ही मेक प्योर? हाँ, जो शरीर है पांच तत्वों का पुतला है. ये शरीर सुख और दुख भोगता है. स्टूडेंट रिप्लाइज यस द बॉडी विच इज द एफिजी ऑफ द फाइव एलिमेंट्स दिस बॉडी एक्सपीरियंसेस प्लेजर एंड सोरो. सुख भोगने से आत्मा शक्ति क्षीण करती है या नहीं करती है? Does the soul lose its power by experiencing pleasure or not? देवताएं भी सुख भोगते हैं. Even the deities experience pleasure. मान लो सतयुग के पहले जन्म में देवताएं थे, सुख भोगा 16 कला संपूर्ण, फिर नीची गिरती है अवस्था या नहीं गिरती है? For example, there were deities in the first birth of the golden age.
they experience the pleasure complete with 16 celestial degrees, then does their stage degrade or not? गिरती है क्योंकि सुख भोगा, कैसे से सुख भोगा? It does because they experienced pleasure. Through what did they experience pleasure? शरीर से, पांच तत्वों से सुख भोगते हैं, तो पांच तत्व नीचे की ओर ले जाते हैं. Through the body, when they experience pleasure through the body made of the five elements lead them to downfall. परमपिता परमात्मा तो सदैव पांच तत्वों से परे है. The supreme father, supreme soul is always beyond the five elements. तो उसको नीचे जाने की कोई बात नहीं है. और धर्म पिता है वो पांच तत्वों के शरीरों के संसर्ग में आते हैं, तो भले सतो प्रधान स्टेज में होते हैं पहले जन्म में, तो भी नीचे गिरते हैं. लेकिन बाप तो नीचे नहीं गिरता. तो बताया कि सभी पतितों को आकर के पावन बनाना पड़ता है मुझे. सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हिम एक्सपीरियंसिंग डाउनफॉल एट ऑल. द अदर रिलीजियस फादर्स कम इन कॉन्टेक्ट एंड कनेक्शन विद द बॉडीज मेड ऑफ द फाइव एलिमेंट्स. सो ऑल्दो दे आर सतो प्रधान इन देयर फर्स्ट बर्थ, दे एक्सपीरियंस डाउनफॉल. But the father certainly doesn't experience downfall. So it was said, I have to come and make all the impure ones pure. और कैसे पतितों को पावन बनाता हूँ ये दुनिया में कोई नहीं जानते. And no one in the world knows how I make the impure ones pure. अब तुम बच्चे जानते हो. क्या जानते हो? Now you children know. What do you know? कि संग के रंग से ही पति तो बने और संग के रंग से ही पावन बनते हैं. That it is through the color of the company that you became impure as well as become pure. सत्युग में जो संग का रंग लगता है वो श्रेष्ठ इंद्रियों का लगता है. You experience the color of the company of the elevated इंद्रिया in the golden age. इसलिए पतितपना परसेंटेज में कम होता है. This is why the percentage of becoming impure is less. और द्वापर युग से? And from the copper age? द्वापर युग से सभी इंद्रियों से पतित बनते हैं. You become impure through all the इंद्रिया from the copper age. तो पतितपना भी तीव्र गति से होता है. So you also become impure rapidly. तो संग के रंग में आने से पतित बनते हैं, तो पावन कैसे बनेंगे? किसके संग के रंग में आने से पावन बनेंगे? यू बिकम इम्प्योर बाय कमिंग इन द कलर ऑफ द कंपनी. देन हाउ विल यू बिकम प्योर? स्टूडेंट्स, बाय कमिंग इन द कलर ऑफ द कंपनी. बाय कमिंग इन द कलर ऑफ हूज कंपनी विल यू बिकम प्योर? एक एवर प्योर बाप ही है जो मनुष्य तन में पतित तन में प्रवेश करता है. कोई सन्यासी में प्रवेश नहीं करता. और पतित तन के द्वारा ही पतितों को पावन बनाते हैं. इट इज द वन एवर प्योर फादर अलोन हु एंटर्स अ ह्यूमन बॉडी एन इम्प्योर बॉडी. ही डजंट एंटर एनी सन्यासी. एंड इट इज थ्रू द इम्प्योर बॉडी दैट ही मेक्स द इम्प्योर वंस प्योर. लिखा हुआ भी है बच्चों, पावन बनने के लिए अपनी देह और अपनी देह सहित देह के जो भी संबंध हैं, उन संबंधों को बुद्धि से त्याग दो. इट इज ऑल्सो रिटन, चिल्ड्रन, इन ऑर्डर टू बिकम प्योर रिनाउंस योर बॉडी एंड ऑल द रिलेशनशिप्स ऑफ द बॉडी अलोंग विद द बॉडी थ्रू द इंटेलेक्ट. सभी संबंधों को छोड़ सब संबंध माम एकम, मुझे एक में तिरोहित कर दो. रिनाउंस ऑल द रिलेशनशिप्स एंड मर्ज ऑल योर रिलेशनशिप्स इन मी अलोन. माम एकम, मेरे से सब प्रकार के संबंध जोड़ो तो तुम पतित से पावन बन जाओगी. इफ यू ज्वाइन ऑल काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप्स विद मी यू विल बिकम प्योर फ्रॉम इम्प्योर. गीता के अक्षर है. दीज आर द वर्ड्स ऑफ द गीता. माम एकम याद करो. रिमेम्बर मी अलोन. याद कौन आता है? होम डू यू रिमेम्बर? अरे इंद्रियां हैं, इंद्रियों के साथ जो सुख भोगा है वो याद
आँख से देखा है तो याद आता है। अरे यू हैव इंद्रिया, सो द प्लेजर एक्सपीरियंस्ड थ्रू द इंद्रिया यू रिमेम्बर, इफ यू हैव सीन थ्रू द आईज यू रिमेम्बर इट। जो भी इंद्रियों से जो सुख लिया है वो याद आता है, लगाव पूर्वक देखा है तो ज्यादा याद आए। यू रिमेम्बर ऑल द प्लेजर यू हैव एक्सपीरियंस्ड थ्रू विच एवर इंद्रिया, इफ यू हैव लुक्ड एट समवन विद अटैचमेंट यू विल रिमेम्बर हिम मोर। बेलगाव से देखा है तो याद भी कम आएगा। इफ यू हैव लुक्ड एट समवन बीइंग डिटैच्ड यू विल रिमेम्बर हिम लेस। तो यही बात बाप भी समझाते हैं कि सब को छोड़ बुद्धि से मामेकम याद करो। सो द फादर ऑल्सो एक्सप्लेन्स द सेम, लीव एवरी वन एंड रिमेम्बर मी अलोन थ्रू द इंटेलेक्ट। और याद भी कैसे आएगा? एंड हाउ विल यू इवन रिमेम्बर? कैसे याद आएगा? हाउ विल यू रिमेम्बर हिम? हाँ, बाप को पहचानेंगे तो आंखों से देखेंगे भी, जिन्होंने बाप को पहचाना ही नहीं वो फिर इन आंखों से देखेंगे भी नहीं। स्टूडेंट, व्हेन वी सी हिम, यस, व्हेन यू रिकॉग्नाइज द फादर यू विल आल्सो सी हिम थ्रू योर आईज। दोज हू हैवंट रिकॉग्नाइज द फादर एट ऑल दे वोंट सी हिम थ्रू दीज आईज ईदर। इंद्रियों से किसी भी प्रकार का अनुभव करेंगे भी नहीं। They won't experience anything through their indriya either. तो गीता के अक्षर हैं। So these are the words of the Gita. अभी ये गीता का एपिसोड चल रहा है। The episode of the Gita is going on now. उनमें भी, even among them, गीताओं में भी जो अनेक प्रकार की गीताएं बनाई दी हैं, उनमें भी अगड़म बगड़म लिख दिया है। The different kinds of Gita that have been made. They have written ambiguous things in them. Tagore ki Gita alag, Gandhi Gita alag, Madhvacharya ki Gita alag, Shankaracharya ki Gita alag, aur sab mein alag alag tarike se vyakhyan de diya hai. Tagore's Gita is different, Gandhi's Gita is different, Madhvacharya's Gita is different, Shankaracharya's Gita is different, and there is different interpretation in all of them. तो देखो उसमें भी आटे में लून मिसल कुछ है, बाकी तो सभी झूठ भर दिया है। सो लुक, देयर इज सम ट्रुथ इन इट लाइक द प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्ट इन फ्लावर, ऑल द रेस्ट इज लाइज। कितना झूठे बनते गए हैं। दे हैव बिकम सच लायर्स, इसलिए नाम ही रख दिया है झूठखंड। दिस इज व्हाई द वेरी नेम इज द लैंड ऑफ फॉल्सिटी। सचखंड, झूठ खंड, ये कौन से खंड के लिए कहा जाता है? Which land is called the land of truth and the land of falsity? भारत ही सच खंड बनता है और भारत ही 100% झूठ खंड बनता है। भारत itself becomes the land of truth and भारत itself becomes the 100% land of falsity. इसलिए भारत में जितना भ्रष्टाचार है आज दुनिया में, इतना और किसी देश में भ्रष्टाचार नहीं है। दिस इज वाई देर इजंट करप्शन इन एनी अदर कंट्री टू द एक्सटेंट देर इज करप्शन इन भारत एट प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। भारतवासियों के लिए ही ये बायजोली है। दिस समर सॉल्ट इज फॉर द भारतवासीज देमसेल्व्स। कितनी सहज बात है। इट इज सो इजी, जो बच्चा भी समझ जाए, दैट इवन अ चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड इट। फिर भूलते क्यों हो? Then why do you forget it? भक्ति मार्ग में भी तो याद करते थे। You remembered me in the path of bhakti as well. कहते थे कि बाबा आप जब आवेंगे तो हम आपके ऊपर बलिहार जावेंगे, माने अर्पण हो जावेंगे। You said, Baba, when you come, we will sacrifice ourselves on you. It means we will offer ourselves. आपके ही बन करके रहेंगे। We will remain only yours. और किसी के प्रभाव में नहीं आवेंगे। We won't come under anyone else's influence. मेरा तो एक बाप, दूसरा न कोई। Mine is one father and no one else. हम आपके बन आपसे पूरा वर्षा ले लेंगे। We will become yours
एंड टेक द कम्प्लीट इनहेरिटेंस फ्रॉम यू. बाप का बनते ही है वर्षा लेने के लिए. वी बिलोंग टू द फादर टू टेक हिज वेरी इनहेरिटेंस. अडॉप्टेड चिल्ड्रन होते हैं. देर आर अडॉप्टेड चिल्ड्रन. वो जानते हैं कि जिस बाप ने हमको अडॉप्ट किया है उस बाप से हमको क्या मिलेगा. दे नो वॉट दे विल गेट फ्रॉम द फादर हु हैज अडॉप्टेड देम. तुम भी अडॉप्ट हुए हो. यू टू हैव बीन अडॉप्टेड. तुम जानते हो हम बाप से क्या लेते हैं. यू नो वॉट वी अटेन फ्रॉम द फादर. हैं? बाप कोई एक देश का बाप नहीं है. स्टूडेंट द इनहेरिटेंस ऑफ हेवन द फादर इजंट द फादर ऑफ अ सिंगल कंट्री. क्रिश्चियंस भी उसको अपना गॉड फादर मानते हैं. इवन द क्रिश्चियंस कंसिडर हिम एज देयर गॉड द फादर. मुसलमान भी मानते हैं. बौद्ध भी अपना बाप मानते हैं. द मुस्लिम्स एज वेल एज द बुद्धिस्ट कंसिडर हिम एज देयर फादर. तो तुम जानते हो कि हम विश्व पिता से वर्षा लेते हैं. सो यू नो वी टेक द इनहेरिटेंस फ्रॉम द फादर ऑफ द वर्ल्ड. कौन सा वर्षा लेंगे. वॉट इनहेरिटेंस विल वी टेक. विश्व पिता से विश्व की बादशाही का वर्षा मिलेगा. We will attain the inheritance of the emperorship of the world from the father of the world. बौद्ध खंड का बाप होगा महात्मा बुद्ध. तो बौद्ध खंड का ही वर्षा दिलावेगा. If he is Mahatma Buddha, the father of the Buddhist continent, he will give the inheritance of only the Buddhist continent. क्रिश्चियन खंड का बाप होगा क्राइस्ट. तो कहाँ का वर्षा दिलावेगा. If he is Christ, the father of the land of the Christians, what inheritance will he give? क्रिश्चियन खंड का ही वर्षा दिलावेगा. He will give the inheritance of only the land of Christians. बाप तो सारे विश्व का बाप है. हर धर्म का बाप है. The father is the father of the entire world. He is the father of every religion. तो हम बाकी सारी दुनिया में कोई ममत्व नहीं रखेंगे. So we won't have any attachment for the rest of the entire world. समझो किसको लौकिक बाप भी है. जानते हैं उस लौकिक बाप के पास क्या होगा. Suppose someone has a लौकिक father too. He knows what that लौकिक father will have. करके लाख दो लाख होगा. At the most, he might have wealth worth lakhs, 2 lakhs. करोड़ दो करोड़ होगा. Crore 2 crore. वो तुमको क्या देते हैं और यह बाप तुमको बेहद का बाप क्या देते हैं. What does he give you and what does this unlimited father give you? 25 July 68 की वाणी का तीसरा पेज. Third page of the vani of the 25th July 68. आधा कल्प तुम झूठी कथाएं सुनते आए हो. You have been listening to false stories for half the cycle. झूठी कथाएं किसने सुनाई. Who narrated false stories to you? झूठे गुरुओं ने झूठी कथाएं सुनाई. अभी सच्चे बाप से तुम सच्ची कथा सुनते हो. The false gurus narrated false stories. Now you listen to the true story from the true father. तो सच्चे बाप सच्ची कथा सुना करके तुमको सच खंड का मालिक बनाते हैं. सो द ट्रू फादर मेक्स यू द मास्टर ऑफ द लैंड ऑफ ट्रूथ बाय नरेटिंग यू द ट्रू स्टोरी. तो ऐसी कथा जो सच खंड का मालिक बनाती है उसे ध्यान से सुनना चाहिए ना. सो सच अ स्टोरी थ्रू विच यू बिकम द मास्टर ऑफ द लैंड ऑफ ट्रूथ यू शुड लिसन टू इट वेरी अटेंटिवली शुडंट यू. है? ध्यान से सुनना चाहिए. यू शुड लिसन टू इट वेरी केयरफुली. कोई कोई को नींद भी आती है. सम इवन फील स्लीपी. हम सो का अर्थ समझना है. यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वी आर सेल्फ बिकम दैट. वो तो कह देते हैं हम आत्मा सो परमात्मा. दे से वी सोल्स आर सेल्फ बिकम द सुप्रीम सोल. जो परमात्मा सो हम आत्मा. The Supreme Soul is equal to us souls. अब ये तो 84 जन्मों की कहानी नहीं हुई. Now this isn't the story of the 84 births. ये कहानी तो कोई नहीं बता सकता.
नो वन कैन नरेट दिस स्टोरी। उन्होंने तो षष्ठ को लाखों वर्ष का कह करके कितनी कथाएं बना दी हैं। दे हैव मेड सो मेनी स्टोरीज बाई सेइंग दैट द वर्ल्ड इज लैक्स ऑफ इयर्स ओल्ड। और उसमें भी बाप के लिए तो खास कह देते हैं कुत्ते बिल्ले में है। एंड इन एडिशन दे आर स्पेशली से फॉर द फादर ही इज प्रेजेंट इन डॉग्स एंड कैट्स। कितनी बाप की ग्लानी करते हैं। दे डिफेम द फादर सो मच। ये भी ड्रामा में नूद है। दिस इज ऑल्सो फिक्स्ड इन द ड्रामा। जब ड्रामा है तो कोई के ऊपर दोष भी नहीं रह सकते। When it is drama, you can't even blame anyone. हाँ, ड्रामा का राज तो समझाते हैं। Yes, the father does explain the secret of the drama. ऐसा ड्रामा बना हुआ है। This is how the drama is made. तुम ऐसे ऐसे बायजोली खेलते हो। You perform somersaults in this way. तुमको जो बाप ज्ञान से देवता बनाते हैं, ऐसे बाप को तुम फिर गालियां देते हो। द फादर हु मेक्स यू इनटू डेटीज थ्रू नॉलेज यू इंसल्ट सच फादर। तो ये भी ड्रामा बना हुआ है। सो दिस इज ऑल्सो फिक्स्ड इन द ड्रामा। मैं फिर भी आकर के तुम पर उपकार करता हूँ। आई स्टिल कम एंड शो काइंडनेस टू यू। हैं? कहाँ गालियां देते हैं? स्टूडेंट चिल्ड्रन इंसल्ट द फादर, बाबा कम्स एंड अपलिफ्ट्स देम। Where do they insult him? भक्ति मार्ग में 2500 साल गालियां अभी नहीं गालियां देते। स्टूडेंट इन द पाथ ऑफ भक्ति दे इंसल्टेड हिम फॉर 2500 ईयर्स। डोंट दे इंसल्ट हिम नाउ। अगर भक्ति मार्ग में गालियां देते होंगे तो शूटिंग नहीं होती है। If people insult him in the path of bhakti, doesn't its shooting take place? कहाँ shooting होती होगी? Where would its shooting keep taking place? ब्राह्मणों की संगमिक दुनिया में ये भी shooting होती है। This shooting also takes place in the confluence world of the Brahmins. गालियाँ भी यहीं देते हैं। फिर गालियाँ खाने के बावजूद भी बाप बच्चों को बरसा देते हैं। They insult him here itself. Then, despite enduring insults, the father gives inheritance to the children. ऐसा अनुपकार करने वाले बच्चों पर भी आकर उपकार करता हूँ, जानता हूँ। ये गालियाँ आदि देना तुम्हारा दोष? फिर किसका दोष है? हैं? ड्रामा किसने बनाया? I come into favor even to such ungrateful children. I know it isn't your fault that you insult me, etc. Then whose fault is it? Student, drama. Who made the drama? हर एक का ड्रामा अपन अपना बना हुआ है। Everyone's individual drama is preordained. इनका अलग, इनका अलग, इनका अलग। एक का ड्रामा, एक की ड्रामाबाजी दूसरे की ड्रामाबाजी से मिलती है क्या? Everyone's drama is different. Is anyone's drama similar to someone else's? नहीं मिलती। It isn't. तो बनाई किसने? So who made it? खुद का ड्रामा खुद नहीं बनाया। Each one has made his drama himself. अगर बाप को गालियां दी हैं, भक्ति मार्ग में दी हैं, तो समझो यहाँ संगम युग में शूटिंग पीरियड में भी जरूर गालियां दी हैं। If you have insulted the father, if you have insulted him in the path of bhakti, consider that you have definitely insulted him here in the confluence age, in the shooting period. और यहाँ गालियाँ दी हैं, तो उपकार तो नहीं किया? क्या किया? And if you have insulted him here, you certainly didn't show kindness to him. What did you do? अपकार, भक्ति मार्ग में तो indirect अपकार किया। Students, offense. In the path of bhakti, you offended him indirectly. और यहाँ ज्ञान मार्ग में? And here in the path of knowledge? Direct बाप आते हैं तो direct अपकार करते हैं। The father comes directly, so you offend him directly. तो बोला तुम्हारा दोष नहीं है। So it was said, it isn't your fault. ये खेल बना हुआ है।
दिस प्ले इज प्री ऑर्डेंड. क्या? वॉट? खेलेगा? टू अ चाइल्ड, विल यू प्ले? कहानी तुमको समझाता हूँ. आई एक्सप्लेन द स्टोरी टू यू. ये कहानी तुमको समझाता हूँ. तुमको माने? आई एक्सप्लेन द स्टोरी टू यू. यू रेफर्स टू होम? जो सन्मुख बैठने वाले बच्चे हैं, विमुख होने वाले बच्चे नहीं हैं, हैं तो नंबर बार. द चिल्ड्रन हु सिट इन फ्रंट ऑफ द फादर सन्मुख, हु डोंट बिकम विमुख, दे आर डेफिनेटली नंबर वाइज. क्या? वॉट? एक जैसे सन्मुख एक जैसे विमुख कोई होते हैं क्या? डज एनी वन बिकम सन्मुख और विमुख अलाइक? नहीं. नो. कोई 100% विमुख होते हैं, कोई 100% सन्मुख भी होते होंगे. सम आर 100% विमुख एंड सम वीमन माइट बी 100% सन्मुख. ऐसे भी हो सकता है? कैन इट ऑल्सो बी लाइक दैट? कोई 100% सन्मुख हो, ऐसे हो सकता है? इज इट पॉसिबल दैट समवन माइट बी 100% सन्मुख? क्या? स्टूडेंट रिप्लाइज, वॉट? क्यों? स्टूडेंट, द परमानेंट चैरियट, वाई? मुकर्रर रथ जो है वो भक्ति मार्ग में ग्लानी नहीं करता होगा. वोंट द परमानेंट चैरियट बी डिफेमिंग द फादर इन द पाथ ऑफ भक्ति? है? मुकर्रर रथ जो है, जो मुकर्रर रथ वाली आत्मा है, वो भक्ति मार्ग में आखिरी जन्म में जाके नीचे नहीं गिरती है. Doesn't the soul of the permanent chariot fall in the last birth in the path of bhakti? है? बहुत? बहुत थोड़ा समय, गिरती तो है. Student, for very little time. Very? Student, little. Very little time. He does fall, doesn't he? तो 100% तो नहीं कहेंगे. So he certainly won't be called 100% सन्मुख. पहले बाप होता है, सन्मुख से प्रवेश करता है, उठता नहीं ना करती इसके बाद. उसके बाद नहीं करती? क्यों? यज्ञ के आदमी यज्ञ के आदमी प्रवेश नहीं किया था. स्टूडेंट रिप्लाइज, डजंट ही डिफेम द फादर आफ्टर दैट? व्हाई? डिड द फादर एंटर हिम इन द बिगनिंग ऑफ द यज्ञ? किया था ना. ही डिड, डिडंट ही? फिर ग्लानी की कि नहीं की? देन डिड ही डिफेम द फादर और नॉट? यज्ञ को छोड़ करके गया कि नहीं गया? डिड ही लीव द यज्ञ एंड गो अवे और नॉट? यज्ञ में झगड़ा किया कि नहीं किया? डिड ही एंटर अ डिस्प्यूट इन द यज्ञ और नॉट? किया ना. ही डिड, डिडंट ही? तो ग्लानी तो करता है. सो ही डज डिफेम द फादर. बोला, तुमको जो बाप ज्ञान से देवता बनाते हैं, तुम फिर उनको ही गालियां देते हो. इट वॉज सेड, द फादर हु मेक्स यू डीटी थ्रू नॉलेज, यू इंसल्ट हिम अलोन. मैं तुम पर आकर उपकार करता हूँ. आई कम एंड शो काइंडनेस टू यू. ये सच्ची सच्ची कथा है जिससे तुम देवता बन जाते हो. दिस इज द ट्रू स्टोरी थ्रू विच यू बिकम डीटीज. भक्ति मार्ग में, इन द पाथ ऑफ भक्ति, इस एक ही सच्ची कथा के बदले में ढेर की ढेर कथाएं बना दी. दे हैव मेड न्यूमरस स्टोरीज इंस्टेड ऑफ दिस वन ट्रू स्टोरी. एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है. They don't have any aim and object. जो फॉलोअर्स होते हैं वो बैठ करके सुनते हैं. The followers sit and listen to them. समझते वो कुछ भी नहीं है. They don't understand anything at all. तो वो कथा कहानियाँ हैं सब गिरने के लिए. So all those stories cause degradation. उस पाठशाला में भी पढ़ते तो है ना, फिर भी शरीर निर्वाह के लिए एम ऑब्जेक्ट तो रहता है. दे स्टडी इन दो स्कूल्स टू, येट दे हैव एन एम ऑब्जेक्ट फॉर देयर लाइवलीहुड. ये पंडित लोग तो अपने शरीर निर्वाह के लिए बैठ कथा सुनाते हैं. दीज स्कॉलर्स सिट एंड नरेट स्टोरीज फॉर देयर लाइवलीहुड. जो कथा सुनने वाले हैं, उनका तो कोई शरीर निर्वाह होता नहीं. द पीपल हु लिसन टू द स्टोरीज आरंट सस्टेन थ्रू इट. उनके आगे पैसे रखते जाते हैं. दे पीपल कीप ऑफरिंग मनी टू देम. प्राप्ति पैसा रखने वालों को कुछ भी नहीं होती. दोज़ हु ऑफर मनी डोंट अटेन एनीथिंग. तुम्हारे सारे पैसे भक्ति मार्ग में
व्यर्थ चले जाते हैं। ऑल योर मनी गोज वेस्ट इन द पाथ ऑफ भक्ति। अभी तो तुमको मैं रतन देता हूँ। नाउ आई गिव यू ज्वेल्स, जिससे तुम नई सृष्टि के मालिक बन जाते हो। थ्रू विच यू बिकम द मास्टर ऑफ द न्यू वर्ल्ड। वहाँ नई दुनिया में तुमको हर चीज नई मिलेगी। यू विल गेट एवरीथिंग न्यू देयर इन द न्यू वर्ल्ड। हीरे जवाहरात सब नए होंगे। डायमंड्स ज्वेल्स एवरीथिंग विल बी न्यू। अभी बाप समझाते हैं और सभी बातें छोड़ दो। नाउ द फादर एक्सप्लेन्स लीव एवरीथिंग एल्स। क्या? व्हाट? अपनी बुद्धि में तुम सिर्फ बायजोली याद रखो। जस्ट रिमेम्बर द समरसॉल्ट इन योर इंटेलेक्ट। क्या? व्हाट? कैसे हम शूद्र से एकदम शूद्र नीचे और शूद्र से एकदम चोटी ब्राह्मण बनते हो। हाउ फ्रॉम बींग शूद्रास द शूद्रास आर द लोएस्ट वी बिकम द हाइएस्ट ब्राह्मण्स फ्रॉम बींग शूद्रास। माने शूद्र और ब्राह्मणों की चोटी। इट मीन्स शूद्र एंड द चोटी ऑफ द ब्राह्मण्स। जब गुलाटी लगाते हैं, बायजोली खेलते हैं, परिक्रमा लगाते हैं मंदिर की, तो सर और पांव दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। When they somersault, when they circumambulate the temple, both the head and the feet combine and become one. तो बायजोली की याद करो, फकीर लोग भी बायजोली खाते हैं। So remember the somersault. Even fakirs do somersault. तीर्थों पर जाते हैं ना? They go on pilgrimages, don't they? कोई पैदल जाते हैं। Some go on foot. अभी तो देखो मोटरें निकली हैं, एरोप्लेन निकले। Look, cars and airplanes have come up now. अब गरीब तो उनमें नहीं जा सकते। Well, the poor definitely can't travel in them. कोई बहुत सिद्धत होते हैं। Some are very skilled at it. इतने सिद्धहस्त होते हैं कि अमरनाथ की यात्रा तक भले 80 साल के बूढ़े हों तो भी पैदल पैदल चले जाते हैं। They are so skilled that although they are 80 years old, they go on the journey to Amarnath on foot. तो दिन प्रतिदिन अभी देखो साइंस से कितना सुख निकला है। Now look, day by day, so many facilities of comfort have come up because of science. परंतु ये है अल्पकाल का सुख। But this is short-lived comfort. जब ये अल्पकाल का सुख गिरना शुरू होता है, एटम बम फटते हैं, तो कितना नुकसान हो जाता है। When this short-lived comfort starts dying, when the atom bombs explode, they suffer so much loss. इन चीजों से सुख भी है परंतु अल्पकाल का सुख है। You even get comfort through these things, but it is short-lived comfort. अल्पकाल का कैसे? How is it short-lived? ये माया का pomp and show, साइंस का जो चमत्कार है वो कितने दिन के लिए? This pomp and show of माया, the miracles of science last for how many days? 100-200 साल के लिए होता है। इट इज फॉर 100-200 ईयर्स। बाकी फाइनल तो सबका मौत भरा हुआ है। एज फॉर द रेस्ट एवरीवन इज गोइंग टू डाई इन द एंड। वो साइंस और ये तुम्हारी है साइलेंस। दैट इज साइंस एंड योर्स इज द पावर ऑफ साइलेंस। उनकी साइंस से दवाइयां भी बढ़ती चली जाती हैं, रोग भी बढ़ते चले जाते हैं, डॉक्टर भी बढ़ते चले जाते हैं, हॉस्पिटल भी बढ़ते चले जाते हैं। मेडिसिंस डिजीजेस डॉक्टर्स एज वेल एज हॉस्पिटल्स कीप इंक्रीजिंग थ्रू देयर साइंस। और तुम अभी ऐसा योग सीखते हो जो तुम्हारे याद करने से सभी रोग खत्म हो जाएंगे, सभी हॉस्पिटल खत्म हो जाएंगे, सभी डॉक्टर खत्म हो जाएंगे। And you learn such yoga now that all diseases will be cured through your remembrance, all the hospitals and doctors will be over. अब तुम निरोगी बन जाएंगे। And you will become disease free. अभी तुम समझते हो हम सत्युग में ever healthy, ever wealthy थे। Now you understand, we were ever healthy and ever wealthy in the golden age. तो ये 84 का चक्र है। So this is the cycle of 84 births. जो फिरता रहता है। That keeps rotating. बाप एक ही बार आकर के समझाते हैं।
The father comes just once and explains it. है? एक ही बार आकर समझाते? क्यों? He comes just once and explains it. Why? दो बार नहीं आते, एक ब्रह्मा के तन में आए, दादा लेखराज के तन में. दो बार नहीं आते. Doesn't he come twice? Once he came in the body of Brahma, Dada Lekhraj. Doesn't he come twice? है? हाँ, वहाँ सिर्फ सुनाते हैं. Student, he doesn't explain there, he narrates. Yes, he just narrates the knowledge there. सुनने सुनाने की शूटिंग होती है भक्ति मार्ग में और ज्ञान मार्ग में समझने और समझाने की शूटिंग होती है. The shooting of listening and narrating takes place in the path of bhakti, and the shooting of understanding and explaining takes place in the path of knowledge. तुमने मेरी ग्लानी बहुत की है. You have defamed me very much. है? कहाँ? Where? Student, in the confluence age. भक्ति मार्ग में नहीं? Not in the path of bhakti. भक्ति मार्ग में ज्यादा ग्लानी की है, वहाँ मैं होता हूँ. Student replies, you haven't defamed me more in the path of bhakti. Am I present there? तो जहाँ मैं होता ही नहीं वहाँ ग्लानी करने की बात ही साबित नहीं होती. The idea of defaming me just doesn't make sense when I'm not present. बात कहाँ साबित होती है? When does it matter? जहाँ मैं प्रैक्टिकल में होता हूँ संगम युग में और उस समय तुम ग्लानी करते हो तो तुम्हारी ग्लानी भी साबित हो जाती है. When I am present in practice in the confluence age and you defame me, the defamation matters. बहुत ग्लानी की है. You have defamed me a lot. कुत्ते में, बिल्ले में, ठिक्कर में, भित्तर में, कहाँ कहाँ मुझे ठोंक दिए है. You have put me in dogs, cats, lumps of soil, walls and many more places. यहाँ कैसे ये ग्लानी हो जाएगी? How will it be called defamation here? है? कैसे? How? तो फिर ऊंचते ऊंच बाप को पकड़ लेना चाहिए. स्टूडेंट, द हाईएस्ट ऑफ द हाई फादर. देन यू शुड कैच होल्ड ऑफ द हाईएस्ट ऑफ द हाई फादर. फिर कुत्ते बुल्ले उनकी बात मानने के लिए क्यों चला जाना चाहिए? देन व्हाई शुड यू एक्सेप्ट व्हाट दे से अबाउट हिम दैट ही इज प्रेजेंट इन डॉग्स एंड कैट्स. है? है? हम नहीं बोलते. अच्छा, फाइनल पेपर होने वाले हैं, आठ ही पास होंगे. है? स्टूडेंट रिप्लाइज, यू डोंट से दैट. अच्छा, द फाइनल एग्जामिनेशंस आर गोइंग टू टेक प्लेस, ओनली द एट विल पास. अच्छा, वो भी नंबर वार. अच्छा, दे टू आर नंबर वाइज. उसमें भी उनमें भी कुछ न कुछ नुक्स दिखाई पड़ेगा जरूर. अंतिम जन्म में वो आठ भी फेल हो जाते हैं, माया उनको भी चक्कर ही मिले लेती है. सम और दी अदर फ्लॉ विल बी विजिबल इन देम एज वेल. इवन दोस एट फेल इन द लास्ट बर्थ, माया इवन मिसलीड्स देम. कोई ऐसा अहंकार न करे कि हम तो कभी माया की चक्करी में फंसते ही नहीं. नो वन शुड हैव सच ईगो दैट दे आर नेवर मिसलेड बाय माया. राम की कितनी ग्लानी, कृष्ण की कितनी ग्लानी की है. यू हैव डिफेम्ड राम एंड कृष्ण सो मच. अपन कोई चमाट मारी. यू हैव स्लैप्ड योरसेल्फ. ग्लानी करते करते तुम शूद्र बुद्धि बन पड़े. यू हैव बिकम दोज विद एन इंटेलेक्ट लाइक दैट ऑफ अ शूद्र बाय डिफेमिंग द फादर कंटिन्यूअसली. ऊंच के ऊंच भगवान, उनको फिर ठिककर भीतर में कहना. टू पुट द हाईएस्ट ऑफ द हाई गॉड इन लम्स ऑफ सॉइल एंड वॉल्स. ये कितनी भारी ग्लानी है. इज सच अ बिग एक्ट ऑफ डेफेमेशन. सिख लोग भी कहते हैं. इवन द सिख से जप साहब को तो सुख मिले. यू विल रिसीव हैप्पीनेस ओनली वेन यू रिमेम्बर साहब गॉड. सुख कब मिले? वेन विल यू रिसीव हैप्पीनेस? एक का जाप करो, रिमेम्बर द वन, तो सुख मिलेगा. देन यू विल रिसीव हैप्पीनेस. अभिविचार से सुख और व्यभिचार से दुख. हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम प्यूरिटी एंड सोरो कम्स फ्रॉम अडल्ट्रेशन. चाहे वो ज्ञान हो
चाहे वो याद हो चाहे कोई कर्म हो, नियम एक ही है, विविचार से दुख और अविविचार से सुख मिलता है। Whether it is knowledge, remembrance or any deed, the rule is the same. You receive sorrow through adulteration and happiness through purity. अर्थात माम एकम याद करो, दो ही अक्षर हैं। It means there are just two words, remember me alone. फिर बाकी जास्ती माथा मारने की दरकार ही नहीं। Rest, you don't need to rack your brains much. और ये बात भी बाप ही आकर के समझाते हैं। And it is the father who comes and explains this too. क्या? What? माम एकम याद करो, इसमें क्या समझाने की बात है? Remember me alone. What is there to explain in it? है? अम्मा नहीं समझाती ये? Doesn't the mother explain that? क्यों? Why? Basic knowledge समझाया नहीं माम एकम याद करो? Wasn't it explained in the basic knowledge? Remember me alone. है? सुनाया था? तो गलत सुनाया था क्या? Student, it was. It was explained. So was something wrong explained? है? क्यों नहीं जानते? बाप बिंदी, मैं आत्मा बिंदी? Student, they themselves don't know the father. Why don't they know him? The father is a point and I, the soul, am a point. साकार को नहीं जानते? है तो एक ही। They don't know the corporeal one. He is certainly one, isn't he? अरे एक ही बिंदी को याद करने के लिए बोला कि दो चार बिंदियों को याद करने के लिए बोला? अरे has it been said to remember just one point or to remember two to four points? है? एक ही बिंदी को? One point itself. हाँ। Student replies, yes. बिंदी बिंदी तो सब हैं, फिर ये कैसे पता चले कि पेक्युलियरिटी कौन सी बिंदी की है जिसको याद करने से हम पति से पावन बनते हैं? All are certainly points. Then how do we come to know which is the peculiar point by remembering whom we become pure from impure? वो तो तभी पता चलेगा जब कोई मुकर्रर रथ में प्रवेश करके पाठ बजाए। We will come to know that only when he enters a permanent chariot and plays a part. अभी तुम समझते हो। Now you understand. साहब को याद करने से 21 जन्म को तुमको सुख मिलता है। You receive happiness for 21 births by remembering Sahib. वो भी उनका रास्ता बताते हैं। They too show his path. कौन? Who? सिख लोग। The Sikhs. जप साहब को? जप साहेब। तो सुख। हाँ जी। वो बताते हैं कि गुरु नानक ने उनको जो याद किया मेरा साथ। हाँ। तो गुरु नानक के उनको याद करो ऐसा बोलते हैं। हाँ, गुरु नानक को याद करो। Student comments, yes, remember गुरु नानक? हाँ, तो गुरु नानक जब से आए तब से दुनिया नीचे गिरती गई ऊपर उठी। Student, yes, yes. So did the world keep deteriorating or did it rise high since गुरु नानक came? और ही नीचे गिर गई 500 साल में। It deteriorated even more in 500 years. 500 साल में जितनी दुनिया नीचे गिरी इतनी पहले कभी नीचे गिरी भी नहीं थी। The extent to which the world deteriorated in the past 500 years, it hadn't deteriorated to that extent even before. वो भी उनका रास्ता बताते हैं, परंतु पूरा रास्ता तो कोई भी जानते ही नहीं। They too show his path, but no one knows the exact path at all. अभी बाप कहते हैं सुमिर सुमिर सुख पाओ। Now the father says, experience happiness by remembering me constantly. तुम बच्चे जानते हो कि बरोबर सतयुग में बीमारी आदि कुछ भी नहीं होती है। You children know that certainly there are no diseases etc. in the golden age at all. ये कॉमन बात है। It is a common thing. उनको सतयुग गोल्डन एज कहा जाता है। It is called सतयुग the golden age. और इसको कलयुग आयरन एज कहा जाता है। And this is called Kaliyug, the Iron Age. ये सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। This world cycle keeps rotating. फिर Golden Age बनेगी। Then it will become the Golden Age once again. तो समझानी देखो कितनी अच्छी है। So look, the explanation is so good. ये तुम्हारी बायजोली की कहानी है। This is the story of your somersault. अभी तुम ब्राह्मण बने हो।
Now you have become Brahmins. फिर देवता बनेंगे. Later you will become deities. तो ये बातें तुम भूल क्यों जाते हो? So why do you forget these things? अगर बायजोली भी याद हो तो भी सारा दिन ज्ञान और याद में मस्त रहे. Even if you remember the somersault, you will rejoice the entire day in knowledge and remembrance. समझे कि हम अभी ब्राह्मण हैं. You should understand, we are Brahmins now. बाबा ने कहा है मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे. Baba has said, if you remember me, your sins will be destroyed. तुम देवता बन जाओगे. You will become deities. ऐसे बाप को याद करके रात को सो जाना चाहिए. You should remember such father at night and go to sleep. कैसे बाप को? Which father? जिसको याद करने मात्र से ही हमारे पाप जन्म जन्मांतर के कट जाते हैं. Just by remembering whom, our sins of many births are destroyed. फिर भी कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं. Even then they say, Baba, we forget you. माया घड़ी घड़ी बुलाई देती है. माया मेक्स अस फॉरगेट यू एवरी नाउ एंड अगेन. तो तुम्हारी लड़ाई है माया के साथ. सो योर बैटल इज अगेंस्ट माया. फिर आधा कल्प तुम इन पर राज्य करते हो. देन यू रूल ओवर हर फॉर हाफ द साइकिल. बाप बहुत सहज बात समझाते हैं. द फादर एक्सप्लेन्स वेरी सिंपल फैक्ट्स. इसका नाम ही है सहज ज्ञान और सहज राजयोग. इट्स वेरी नेम इज इजी नॉलेज एंड इजी राजयोग. बाप को याद करो. रिमेम्बर द फादर. तकलीफ तो कुछ भी नहीं देते. भक्ति मार्ग में तो तुमने बहुत है तकलीफ. कितनी तकलीफें उठाई हैं दीदार के लिए. ही डजंट गिव यू एनी ट्रबल एट ऑल. यू हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ ट्रबल ऑफ एक्सपीरियंसिंग विजन्स इन द पाथ ऑफ भक्ति. मस्तक भी काटने के लिए तैयार हो जाते थे. यू इवन बिकेम रेडी टू बिहेड योर सेल्फ. कितनी तुमने काशी करवट खाई है. You have practiced Kashi Karvat a lot. Kashi Karvat, an extreme form of bhakti where a devotee jumps into a well which contains a sharp edged sword at the bottom and dies immediately. हाँ, Kashi Karvat में भी अगर निश्चय बुद्धि होकर के Kashi Karvat खाते हैं तो उनके पूर्व जन्मों के सारे विकार सारे पाप भस्म हो जाते हैं. Yes, if they practice Kashi Karvat, having a faithful intellect, all the vices and sins of their past births are burnt to ashes. लेकिन फिर दोबारा बनने लग पड़ते. But they start accumulating them again. तो वहाँ Kashi Karvat खाते हैं, उसकी शूटिंग कहाँ होती है? So, where does the shooting of practicing Kashi Karvat there take place? हैं? यहाँ भी शूटिंग होती है. The shooting takes place here as well. Kashi Karvat खाते हैं तो वहाँ भक्ति मार्ग में क्या दिखाया है? When they practice Kashi Karvat, what has been shown in the path of bhakti? गहरा कुआं दिखाया है. A deep well has been shown. गहरा कुआं दिखाया है और कुएं में खांडा लगा रहता है. एंगल से गिरते हैं और खप. A deep well has been shown. And a cutlass is fixed in it. They jump into it from an angle and chop. गला कट जाता है. They are beheaded. तो यहाँ कैसे शूटिंग होती है? So how does the shooting take place here? यहाँ भी ज्ञान में आते हैं. सरेंडर बुद्धि बनते हैं. तो सब ने अनुभव किया होगा उस समय सतो प्रधान स्टेज बन जाती है. इवन हियर व्हेन समवन कम्स इन नॉलेज गेट्स सरेंडर्ड थ्रू द इंटेलेक्ट एवरीवन मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड दैट द स्टेज इज सतो प्रधान एट दैट टाइम. कैसी स्टेज होती है? हाउ इज द स्टेज? चाहे बेसिक में आए और चाहे एडवांस में आए उस समय शुरुआत में कैसी स्टेज बनती है? वेदर यू कम इन द बेसिक नॉलेज और द एडवांस नॉलेज हाउ इज द स्टेज इन द बिगिनिंग? सतो प्रधान स्टेज होती है. वी हैव अ सतो प्रधान स्टेज. माना Kashi Karvat खाई. इट मीन्स वी प्रैक्टिस्ड Kashi Karvat. पूर्वजनों के पाप खलास हो गए. द सिंस ऑफ आर पास्ट बर्थ्स वर डिस्ट्रॉयड.
मान लो कोई बेसिक में आए, बेसिक में आने के बाद भी फिर बाप पाप करके दुखी होते कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन कम्स इन द बेसिक नॉलेज, डू दे कमिट सिंस एंड एक्सपीरियंस सोरो डिस्पाइट कमिंग इन द बेसिक नॉलेज और नॉट? आत्मा में तलखीलापन आता रहता है ना? द सोल कीप्स बिकमिंग रेस्टलेस, डजंट इट? फिर एडवांस में आए, देन व्हेन दे कम इन द एडवांस नॉलेज, तो कितनी खुशी आ जाती, दे बिकम सो हैप्पी। खुशी आई माना पूर्व जन्म के पाप बेसिक में जो भी किए वो सब खलास हो गए। इफ दे एक्सपीरियंस हैप्पीनेस, इट मींस ऑल द सिंस ऑफ देयर प्रीवियस बर्थ कमिटेड इन द बेसिक नॉलेज आर डिस्ट्रॉयड। लेकिन फिर ये गारंटी नहीं है कि दोबारा पाप नहीं बनेंगे। बट दिस इज इंट गारंटीड दैट द सिंस वोंट बी एक्यूमुलेटेड अगेन। पाप फिर भी बनते हैं, क्यों? सिंस आर स्टिल एक्यूमुलेटेड, व्हाई? क्योंकि अटल निश्चय बुद्धि कोई भी नहीं बन पाते, कुछ न कुछ अनिश्चय रह जाता है। इट इज बिकॉज नो वन इज एबल टू बिकम द वन विद अ फॉर्म फेथफुल इंटेलेक्ट, दे रिमेन डाउटफुल टू सम और द अदर एक्सटेंट। नए सिरे सारा हिसाब किताब शुरू हो जाता है। काशी करवट खाने के बाद द अकाउंट स्टार्ट्स अफ्रेश आफ्टर प्रैक्टिसिंग काशी करवट। बाकी फिर भी मेरे पास मेरे नजदीक तक कोई नहीं आते हैं। स्टिल नो वन रीचेज मी क्लोज टू मी। मेरे नजदीक तक नहीं आते हैं क्या मतलब हुआ? दे डोंट रीच क्लोज टू मी, व्हाट डज दैट मीन? माने जो मेरी स्टेज है उस निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज तक कोई भी नहीं आते हैं। इट मीन्स नो वन रीचेज द इनकॉर्पोरियल वॉइसलेस एंड ईगोलेस स्टेज दैट आई हैव। मेरी याद से विकर्म विनाश होने हैं न कि जीव घात से होने हैं। योर सिंस विल बी डिस्ट्रॉयड थ्रू माई रिमेम्बरेंस नॉट बाई टेकिंग लाइफ। तो मेरे पास तो कोई आते ही नहीं है। सो नो वन कम्स क्लोज टू मी एट ऑल। कितनी सहज बात है ये बायजोली, तुम बूढ़ियों को भी याद रहनी चाहिए। इट इज सच एन इजी थिंग, यू ओल्ड वुमेन शुड ऑल्सो रिमेम्बर दिस समरसॉल्ट। बच्चों को भी याद रहनी चाहिए। इवन द चिल्ड्रन शुड रिमेम्बर इट। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते टू द वेरी स्वीट चिल्ड्रन। ओम शांति।